हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा आपका एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर हम आज आपको ट्वेल्थ की केमिस्ट्री की हैलोजेंस और हैलोजेंस का अगला पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। और जिसमें हमने अभी तक क्या कर रखा है, हैलोजेंस की हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और आज हम जो आपको हैलोएल्किन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने वाले हैं उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको रिएक्शन मिलने वाले हैं। तो आप सब लोग बढ़िया तरीके से नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाएं और अब अपने मन को एकाग्र कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे हैलोएल्किन का मैंने क्या किया था, कल हैलोजनीकरण आपको बता दिया था, आज हम आपको बता रहे हैं हैलोएरिन का नाइट्रीकरण। इस रिएक्शन को और अच्छा तरीके से समझना है तो इसके पहले वाले पार्ट को जरूर देखें। और हम सब आपको बार बार बताते हैं कि आप अगर स्टेप वाइज सभी पार्ट देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, जान लीजिए। और अगर आप इतना टाइम तक वेस्ट करके अगर हमारे पूरे लेक्चर्स को पढ़ते हो तो आप लोगों को अगर पूरी बातें समझ में आती हैं तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, ये आवश्यक है आप सबको लिए, जान लीजिएगा। उससे हम अगला वीडियो बनाने के लिए तत्पर हुआ करते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात किया करते हैं हैलोजेंस का नाइट्रीकरण। अगर हम हैलोजेंस की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, अगर हम क्लोरोबेंजीन, मतलब हैलोजेंस क्लोरोबेंजीन ही है, हैलोजेंस का अगर हम वो कहने का मतलब कि नाइट्रेशन किया करते हैं, तो मैंने कल बताया था कि ये आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजता है, बिकॉज दे आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ये आर्थो और पैरा निर्देशक होता है। तो अगर इसकी हम लैंग्वेज कहें तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अगर की जाती है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से की जाती है तो आपको आर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आर्थो एवं पैरा दोनों मिलेंगे, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि हैलोजनीकरण करते हो तो आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता था। तो जो बच्चे कल का टॉपिक देखे होंगे उनको ये बात आज वाली एकदम विधिवत समझ में आएगी, तो मज़ा आएगा आपका, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम इसकी लैंग्वेज लिखा किया करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, सांद्र H2SO4, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर, अब ध्यान दीजिएगा, आर्थो पैरा या एवं कर दिया करो, आर्थो एवं पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। कितना अच्छा है ये, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर आर्थो एवं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। और अगर हम, मैंने भी बताया था कि आर्थो और पैरा पे ही जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन मेन प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट।
और अर्थो वाला जो कंपाउंड होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है बिकॉज सिमेट्री ऑफ पैरा क्लोरोबेंजीन की, वो सिमेट्री होती है उसके पीछे कारण। तो ये लीजिए रिएक्शन भैया, ये आपकी क्या है क्लोरोबेंजीन, क्या है राजू ये क्लोरोबेंजीन प्लस। अब आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया H2SO4। कैसा H2SO4 है सांद्र H2SO4। तो अगर हम इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से साथ करते हैं तब, और आपको मालूम है कि नाइट्रिक अम्ल में कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रो ग्रुप NO2, नाइट्रो जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहां से NO2 निकलेगा। एक बार इसकी किस पोजीशन पे जाएगा आर्थो, तो आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा, और दूसरी बार ये कहां जाएगा इस पोजीशन पे। बात समझ में आ गई होगी, जैसे कल बताया था एक बार इस पोजीशन पे जाएगा, तो देखिए ये बेंजीन यहां पे Cl और यहां पे आप क्या लिख दिया NO2। तो आप देखिए इसका अगर नाम रखोगे तो ये आपकी क्या है नाइट्रोबेंजीन, क्या है ये, अब आप देखिए ना ये बेंजीन थी और ये NO2 जुड़ गया नाइट्रोबेंजीन। आप देखिए वन टू, तो अब अगर इसका नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा वन क्लोरो टू नाइट्रोबेंजीन, या आप दूसरी पोजीशन है तो यहां क्या हो जाएगा पहले नाम लिखिए टू या सॉरी आर्थो टर्म में लिखिए आर्थो क्लोरो आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ये कंपाउंड ये बनेगा। दूसरा कंपाउंड इसी ना NO2 ग्रुप को, और यहां निकलेगा क्या जानते हो जल निकलेगा, क्योंकि इसमें से यहां से H होगा और इसमें से OH, तो अब यहां से क्या होगा ये हो गया Cl और आपकी बार NO2 कहां गया इस स्थान पे, तो ये और आपकी बार हो जाएगा। देखिए यहां से अगर नंबरिंग करो तो एक दो तीन चार चौथी पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं चौथी पोजीशन को पैरा आर्थो पैरा, मैंने पोजीशन बताया है आपको पैरा क्लोरो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन और क्या बनेगा पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब अगर इसका इन दोनों का आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हो तब तो वन टू भाई यही तो होगा नंबरिंग, अगर जब करते हो तो आप NO2 ग्रुप को क्या करोगे यहां पे इसको हाइड्रोजन है ना ये हाइड्रोजन को नंबर वन वन टू, तो यहां पे वन टू और ये थ्री और ये क्या हो जाएगा फोर, तो वन क्लोरो टू नाइट्रो भाई यही तो लिखोगे वन कामा टू क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो यहां पे देखिए आईपीएसी ने वन हाइफन टू एनसीईआरटी में दिया गया वन हाइफन क्लोरो फिर वन क्यों लिखा क्योंकि पहले से है ये नंबर एक नंबर दो, और अब क्या हो जाएगा फिर दूसरा क्या हो जाएगा टू हाइफन नाइट्रो और फिर बेंजीन, चाहे तो इक्का नाम लिख लिया करो लेकिन हम आपको पूरा बता देते हैं या। और ये कंपाउंड कैसा है माइनर प्रोडक्ट है मतलब अल्प है अल्प, और यहां पे क्या हो जाएगा जो यहां से नंबरिंग करोगे तो वन टू थ्री फोर, तो फोर पे है तो क्या हो जाएगा वन हाइफन क्लोरो या वन हाइफन क्लोरो पहले पे था फोर हाइफन नाइट्रो फिर बेंजीन। और ये कैसा कंपाउंड होता है आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर मेजर मीन्स होता है मुख्य मेन प्रोडक्ट ये भी बिकॉज सिमेट्री इसकी है। तो ये नाइट्रीकरण मैंने बता दिया, हाइड्रोजेंस का क्या बताया मैंने नाइट्रीकरण,
तो पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, एक बार यहां पे जुड़ेगा और एक बार यहां पे। इस सब रिएक्शन में क्या बाहर होगा, जल माइनस क्या होगा, H2O। तो एकदम साफ साफ है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर आर्थो एवं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ये कौन सी है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आईपीएससी नेम में नंबर 1, 2 रखेंगे, जहां 1 क्लोरो और फिर 2 क्या हो जाएगा नाइट्रो और फिर बेंजीन, तो पूरा है ही। यहां क्या हो जाएगा 1 क्लोरो क्योंकि पहली पोजिशन पे है और चौथी पोजिशन पे है, तो 4 नाइट्रो और फिर क्या हो गई बेंजीन। आई होप क्लियर हो गई हो, अगर बातें समझ में आती है तो कमेंट जरूर किया करो, सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस चीज को आप एकदम सीरियसली लीजिए, सभी बच्चे जितने भी मेंबर्स हैं देखने वाले जान लीजिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सब लोग जरूर कमेंट करें। अगली चीज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब आपका ये नाइट्रीकरण हो जाता है तो उसके बाद अगला आपका टॉपिक आया किया करता है, मैंने बताया था हैलोजिनेशन, नाइट्रीकरण और अब हम आपको बताने जा रहे हैं सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, ये आप ध्यान दीजिए। तो जो सल्फोनेशन होता है इसका मतलब हुआ करता है किसके साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अब यहां पे क्या होगा, ये पहला होगा, दूसरा ये तीसरा है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे, इसे करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, रिएक्शन भी सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर हम कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसी अभिक्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे तो यहां बनेगा आर्थो और पैरा, दोनों बनेंगे, फिर बनेगा आर्थो पैरा क्या, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल एक बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये एकदम सरल सा रिएक्शन है, आप खुद देखते होंगे कि बार बार रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन क्या कर रहा है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पोजिशन पे भेज रहा है और कहां भेज रहा है, पैरा पोजिशन पे भेज रहा है। तो ध्यान दीजिए क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर आर्थो एवं पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये तो रही आपकी लैंग्वेज, इसकी जान लीजिएगा। चलिए रिएक्शन देखिए, ये आपकी क्या है, क्लोरोबेंजीन, पहचान में आ गई होगी, बार बार लिख रहे हो तो कैसे भागेगी, और जो नहीं पहचान पा रहे हैं ध्यान से देखिए, क्लोरोबेंजीन और प्लस H2SO4, जैसे इसकी अभिक्रिया H2SO4 से की जाएगी तो H2SO4 में कौन ग्रुप होता है जानते हो, H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H। यहां से अगर SO3H हो गया तो क्या बचा, OH, तभी तो H2SO4 हुआ था, तो ये OH और इसमें से H, H2 बाहर हो जाएगा, SO3H निकलेगा इसमें से। तो अब होगा क्या इस रिएक्शन में, आर्थो एवं पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मतलब राजू एकदम सीधी सी बात, ये आपकी बेंजीन यहां पे Cl,
अब एक बार SO3 एस ग्रुप कहां जाएगा? आर्थो पोजिशन पे, SO3 H। और अब उसके बाद दूसरी बार कहां जाएगा? पैरा पोजिशन। एक बच्चे ने जिसने पकड़ लिया है, आप देखिए केवल बस वही पहचान लीजिए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बस उसको एक बार आर्थो पे ले जाओ, एक बार पैरा पे ले जाओ, अपने आप सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। एक बार केवल बच्चे हमारी ध्यान से बात को सुने केवल बस। अब इसका नाम क्या होगा भैया? वाइट टू करोगे तो आर्थो, एक का नाम आप लिखेंगे क्लोरो बेंजीन, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम क्या होगा? पायरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो वही लैंग्वेज, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर आर्थो एवं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह कैसा कंपाउंड होगा? अल्प माइनर कंपाउंड। और यह कैसा प्रोडक्ट होगा? अधिक होगा, या जिसको कह सकते हो कि अधिक मात्रा में होगा यह। तो यह आपका कैसा होगा? मुख्य उत्पाद यही है, और इसको आप लोग कहते हो मेज। तो ये भी हो गया। अब नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण के बाद अब हम आपको ले चलते हैं फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा होगा खूब आपको। तीसरा है ना ये, फ्रीड चौथा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट। तो सुनिए हमारी बात को एक बार थोड़ा सा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या किया जाता है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराया जाता है एल्किल हैलाइड मिथिल क्लोराइड के साथ और एसिल हैलाइड एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। मिथिल अगर एल्किल हैलाइड लिया जाता है तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं, एल्काइलेशन। और अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ की जाती, ध्यान सुनिएगा, एसिटिल क्लोराइड से की जाती है तो उसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसाइलेशन। इंग्लिश अच्छी लगती है यहां पे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दो रिएक्शन है इसमें। तो हम पहले आपको बताएंगे फ्रीडल क्राफ्ट कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, और फिर आपको बताएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। बताइए समझ में आई? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर एल्किल हैलाइड मिथिल क्लोराइड के साथ करोगे और AlCl3 की उपस्थिति में तो उसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहेंगे, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ करोगे तो उसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा राजू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये दो रिएक्शन होता है। तो हम आपको बता रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये आप ध्यान दीजिए। तो अगर हम अब ध्यान देंगे इस पूरी बात को तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको बता रहे हैं और इसके बाद एसाइलेशन एसिडीकरण। तो क्लोरो
बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में, ये 11th में पढ़ाया भी था बेंजीन के साथ, उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, इसीलिए नाम इसका एल्किलीकरण है, एल्किल हैलाइड ब्रैकेट में लिख सकते हो CH3Cl, मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ करने पर, के साथ करने पर आर्थो क्लोरो आर्थो एवं पायरा क्लोरो टालुइन, आर्थो एवं पायरा क्लोरो टालुइन, और इसी टालुइन का वही हम लोग अभी जानते हैं, जानते सब लोग मेथिल बेंजीन का ही क्या नाम है, टालुइन। तो आर्थो एवं पायरा क्लोरो टालुइन क्या होता है, आपको प्राप्त होता है, ये जान लीजिए। और इस अभिक्रिया को ही फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। ये हो गया। अगर हम क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया या Cl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड के साथ करेंगे, या साथ करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ करने पर, करने पर आर्थो एवं पायरा क्लोरो टालुइन प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। यह है आपके सामने क्लोरो बेंजीन, बार बार लिख रहा हूं आपको, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। यह राजू क्या है आपका, क्लोरो बेंजीन। अब इसकी अभिक्रिया की गई CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड है आपको मालूम है, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की। यह क्या है आपका एल्किल हैलाइड, बोले तो मिथिल क्लोराइड, IPAC नेम क्लोरोमेथेन। ये तो होता कुछ नहीं है, इसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो ये क्या होता है, एक बार यहां आर्थो पे आता है, एक बार कहां जाता है, पैरा पे जाता है, बस काम खत्म है। तो अब आप देखिए, ये आपकी है क्लोरोबेंजीन, एक बार इसको यहां आर्थो पे लगा दो, तो यहां से एच और इधर से Cl, माइनस क्या हो जाएगा, HCl फरार हो गया आपका। और अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से ये अगली बार कहां अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे, तो अगला प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दिखाता हूं ना, आर्थो एवं पैरा दोनों। तो ये आपका हो गया बेंजीन, यहां लगा दीजिए Cl और यहां लिख दीजिए CH3, तो वही तो पूरा हो रहा है। समझने वाली बात है, बस एक समझने वाला होना चाहिए और एक समझाने वाला, तो बच्चों को सब चीजें समझ में आ जाती हैं, और आपको समझने की इच्छा ही नहीं है, हम बार बार कहें पढ़ लीजिए, आप कहोगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो कभी नहीं हो पाएगी पढ़ाई, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, मन लगना चाहिए तब पढ़िए खूब अच्छे तरीके से। अब उसके बाद इसका नाम क्या होगा, आर्थो, दिखाओ ना आर्थो क्लोरो, इसको आप कहोगे आर्थो क्लोरो। अब आप ध्यान दीजिए, क्लोरो हट गया, अब ये क्या बचा, ये बेंजीन है और ये मेथिल है, तो मेथिल बेंजीन, और इसी मेथिल बेंजीन को ही एक नाम क्या रखा गया है, टालुइन, इसे कॉमन नेम होता है। तो आर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन चाहे लिख दो, चाहे क्या लिख दो भैया, टालुइन, तो हम टालुइन लिखते हैं जो आपको याद आ जाए। और यहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, पायरा,
टालुइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरा क्लोरो टालुइन। ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, माइनर, मैं बार बार लिख रहा हूं इस चीज को, और ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, मेजर। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव ऑर्थो पैरा क्लोरो टालुइन और ऑर्थो क्लोरो ऑर्थो पैरा मेथिल बेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये आपको मैंने बता दिया कौन सा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा आपको, एकदम क्लियर हो गई होगी पूरी बातें। अब हम आपको बता रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो मेरी बात को ध्यान से सुने, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण थोड़ा सा ही इस रिएक्शन में क्या है, घुमाव है बस, नहीं पूरी की पूरी बातें वही है, इसीलिए इनका नाम फ्रिडल क्राफ्ट इसको भी कहते हैं। चलिए अगला रिएक्शन को ध्यान से सुनिए। अब मैंने बताया कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक रिएक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या इसी को कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण। यह है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसिटिल क्लोराइड पकड़ने का, एल्काइलेशन मतलब एल्किल हैलाइड। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो एक बार आपको ऑर्थो क्लोरो एसिटो फिनोल मिलेगा और फिर मिलेगा पायरा क्लोरो एसिटो फिनोन एसिटो फिनोन, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है इसका नाम एसिटो फिनोन। तो आपको ध्यान दीजिएगा, नाम अच्छे अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत नाम है, आजकल नामों की कमी है, तो आप नए नए नाम सुनिए और प्रसन्न रहिए। तो ध्यान दीजिए, हम लैंग्वेज लिखे राजू, क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया, फिर वही लाइन आई है, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड, ये अम्ल हैलाइड है एक प्रकार का, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड या अम्ल हैलाइड RCOX, स्टील क्लोराइड, फार्मूला लिख दे रहा हूं राजू, CH3COCl के साथ करने पर, के साथ करने पर आर्थो एवं पैरा, आर्थो एवं पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, क्या है ये, एसिटोफिनोन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस
अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। मजा आया? लीजिए रिएक्शन, ये आपकी है क्लोरोबेंजीन और हमने इसके साथ लिया कौन सा, CH3 COCl, ये हमारा स्टील क्लोराइड है, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, खूब अच्छी अच्छी सी कॉपी में नोट्स में लिखें, और ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, बढ़िया सा साफ साफ जितना अच्छा लिखे रहेंगे उतना अच्छा आप याद करेंगे, और जब जो चीज़ें खराब लिखी रहती हैं खूबसूरत चीज़ देखने में वैसे भी मन आपका इंटरेस्ट लगता है तो ऐसे ही आप वहाँ पर भी बढ़िया सा देखेंगे, और जब गंदा करके लिखे रहेंगे तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। अब इसमें देखिए ये क्लोरोबेंजीन है और ये स्टील क्लोराइड है, इन दोनों का जब आप रिएक्शन करेंगे तो इसमें से आपको फिर पता, देखिए इन रिएक्शन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बता क्यों रहे हैं, इसको रिएक्शन को बताने से आपको हर रिएक्शन में ये पता लग जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल है कौन और वही अटैक कर रहा है। आपने देखा था उसमें क्लोरीन अटैक किया हैलोजिनेशन में तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल था, नाइट्रोजन में आपने देखा NO2 था तो वो इलेक्ट्रोफाइल था, सल्फोनेशन में SO3H था, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिला क्या एसिलिक एल्काइलेशन में मेथिल ग्रुप मिला, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप आपको एसिल मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को पढ़ने का मतलब भी ये है, आप ये सोचते हो कि ऐसे चल रहा है पढ़ते रहिए चाहे जो बता रहे, नहीं, सबका पढ़ने के पीछे कारण है, एक कारण है, रीजन है सबको पढ़ने का रिएक्शन का। तो अब यहां क्या होगा ध्यान दीजिए, इसमें से निकलेगा क्या, तो एक बात ये पूरा निकलेगा, यही है ग्रुप, और यहां से Cl और यहां से जहां ये जुड़ेगा वहां से क्या रहेगा H, तो बाहर क्या होगा इसमें HCl, बाहर क्या होगा HCl, तो एक बार आर्थो पोजिशन पे जाएगा एक बार पैरा, तो यहां हो गया Cl और यहां हो गया COCH3, तो अब इसी का नाम क्या होगा आर्थो क्लोरो, दूसरी पोजीशन आर्थो कहलाती है वन के रिफरेंस में, तो आर्थो क्लोरो एसीटो फिनोल, और दूसरा आपकी बार ये कहां जाएगा पैरा पोजीशन पे COCH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा राजू पायरा, एक दो तीन चार चौथी पोजिशन होगी ना पायरा, चौथी पोजिशन को पायरा, पायरा क्लोरो एसीटो फिनोल प्राप्त होता है। ये कैसा कंपाउंड होगा माइनर, और ये कैसा कंपाउंड होगा मेजर, मतलब ये मुख्य होगा और ये आपका अल्प होगा, तो ये आपकी कौन सी हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है, खुश रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। और अब हम एक रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हमने कल किया भी था और इसकी चर्चा बहुत की जाती है, जिसको अगर हम कहा तो ये रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको अभी तक मैं बता रहा हूं, इसमें से मिलेंगे तो कई, लेकिन ये रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत अच्छा तरीके से यहां पे ध्यान से समझे इस चीज को। ये क्लोरोबेंजीन की एक अन्य अभिक्रिया है, तो यहां पर लिख रहा है अनदर रिएक्शन, NCERT ने भी इसको बहुत अच्छा मेंशन किया है, उसने रिएक्शन तो नहीं दिया है लेकिन फार्मूले का स्ट्रक्चर बताया, अनदर रिएक्शन। अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ करते हैं, क्लोरल अभी आपको मिलेगा आगे चल करके,
तो अभी जब हम आपको क्लोरोफार्म का इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन बताएंगे चार पांच, राइमर टीमन अभिक्रिया कट आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो ये सब वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो देखने को मिलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है इसमें क्लोरल से एनएएस से अभिक्रिया करा दीजिए तो क्लोरोफार्म बन जाता है। तो हम इधर बताते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया दो मालिक्यूल ले जाते हैं क्लोरोबेंजीन की, और वहाँ पे क्या हुआ करता है उसकी सांद्र SH2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरल की अभिक्रिया सांद्र SH2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से करने पर पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन प्राप्त होता है। पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो फिर इथेन प्राप्त होता है। नाम से मत डरिए, इसका शॉर्टकट नेम है DDT। क्या नाम है? DDT। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जान लीजिए ठोस आपकी अवस्था में प्राप्त होने वाला एक कंपाउंड होता है DDT। तो पहले इस रिएक्शन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहले लैंग्वेज लीजिए, क्लोरल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ? क्लोरो बेंजीन के साथ करने पर क्लोरोबेंजीन के साथ करने पर पैराडेश डाइक्लोरो अभी नाम जब फॉर्मूला बनाए समझ में आ जाएगा। डाइफेनिल बच्चे नाम से डर जाते हैं, यहां से नाम शुरू हुआ है पैराडेश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन DDT या यहां पे चाहे लिख सकते थे अन्य अभिक्रिया में ऐसे लिख सकते थे DDT बनाने की विधि, ये अनदर रिएक्शन है लेकिन ये है किसे? क्लोरोबेंजीन से। तो कुछ बच्चे सोचते होंगे कि बहुत बड़ा नाम बता दिए, कुछ नहीं है, आपको जब कठिनाई मिले, जीवन जीना सबको मालूम होता है लेकिन जब जीवन में आपकी कठिनाइयां आए आपको संघर्ष करना पड़े तो वही जान लीजिए आपके जीवन का सबसे अच्छा टाइम होता है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, क्योंकि उस समय आप बहुत ऐसी चीजों को सीखते हो जिससे आपके भविष्य में जान लीजिए कठिनाइयों का आप निराकरण कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जहां से आप जब तक आसान लगता है तो खूब मजा आया पढ़ने में, जब कठिन हो तो आप एकदम सीरियस हो जाइए, उसको और बढ़िया पढ़िए क्योंकि वहीं से इंपॉर्टेंट शुरू होता है। कंपटीशन कहां से शुरू है आपका? जहां से इंटरमीडिएट का बेस शुरू हो खत्म होता है वहीं से कंपटीशन होता है। बच्चे सोचते हैं कि हम इंटरमीडिएट पढ़ लिए बहुत कर लिए कुछ, ना जी ना, आप जहां से इंटरमीडिएट छोड़ते हो वहीं से मेरे हिसाब से कंपटीशन शुरू होता है, चाहे वो कंपटीशन IIT का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे नीट का हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन अकॉर्डिंग टू मी। इसीलिए आप पहले इसको सोचिए कि हमारे पास जितने टॉपिक हैं हमको कंफर्म होना चाहिए तब हम कंपटीशन में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको टॉपिक ही नहीं क्लियर है, आप सो जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं पर डे, एक दिन एक टॉपिक देख ले रहे हैं तो अगले दिन देख ही नहीं रहे हैं, इतने आलसी हो गए हैं सब, तो फिर कहाँ से पढ़ाई होगी, तो भविष्य कहाँ जाएगा आपका, विचार कर लीजिए, लगिए और जुटिए कार्य से। तो पैराडेश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, क्लोरल
HCl3CHO, यही इसका फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? क्लोरल का। CCl3CHO और इसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से की जाती है। क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले जाते हैं। थोड़ा लिखने का स्टाइल देखिए हमारे, आप भी एक बार दो बार लिखेंगे तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, रख रहे हैं ना। ब्रेंजीन को मैंने ऐसे लिख दिया है और यहां पे क्या होता है, कार्बन और क्या होता है हाइड्रोजन, हमने एच को बाहर कर लिया। ये क्लोरोबेंजीन ये भी है, नहीं सोचे क्लोरोबेंजीन नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल भी लिख रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल ये लीजिए, ये और ये हो गया Cl। अब इसमें से भी एच निकाल लीजिए, देख रहे हो एक मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन ये, एक मॉलिक्यूल ये, इधर हमने क्या लिख लिया क्लोरल CCl3CHO। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, इसका नाम लिख दीजिए क्लोरो बेंजीन। एकदम विधिवत समझिए, मजा आना चाहिए, बड़े रिएक्शन लिखने में तो मुझे और मजा आता है। अब देखिए यहां से मैं कुछ चीजों को एकदम एक कैप्चर कर रहा हूं, जो जाने वाले हैं वो जाने वाले आ जाते, तेरी याद सताए। ये दिख रहा है, तुम चलो यहां से भाई जी भागो। अब यहां से एच टू को गायब हो जाएगा, थोड़ा रिएक्शन को यहां एच टू एसओ फोर और माइनस क्या हुआ है एच टू को। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोग जब कभी भी देखें तो पूरे वीडियो को एक बार, लेक्चर को पहले पूरा एक बार देख लीजिए, नहीं कब हम खेला कर जाए छोटे रिएक्शन बड़े रिएक्शन की आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए एक बार समझे रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा, उसी हिसाब से आप चलेंगे और स्टेप बाय देखेंगे सबसे अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आज हम पांचवा देखे हैं तो कल आठवां देख लें, चौथा उसके बाद वाला छोड़ दें, ना जी ना। एक तरफ से आप बताइए यहां पे बचा क्या है, माइनस एस टू हो गया केवल, अब जो बचा उसी को जोड़ दीजिए बस। जो समझदार लोग हैं यही करेंगे, भाई जो चीजें बची हम जोड़ते हैं, चलो जोड़ देते हैं। यहाँ क्या बचा है सी, फिर क्या बचा है Cl3, फिर क्या बचा है सी, फिर यहाँ क्या बचा है एच, वो तो फरार हो चुका है। अब इसी एच के बाद देखिए, इस ऑक्सीजन के पास दो वैलेंसी होती थी, तो एक के साथ ये रिंग और एक के साथ नीचे वाली। अब देखिए यहां से ये जो बॉन्ड है यहीं जुड़ेगा, तो देखिए ऐसे और इसको ऐसे बना लीजिए। अब एक बेंजीन रिंग यहां बनाइए, ये बेंजीन रिंग बन गई और यहां हो गया सी। वही हाल यहां पर भी कीजिए, देखिए कितना अच्छा सा रिएक्शन बना, ये हुआ ना खेला। और इसी का नाम क्या होगा बताइए। अब आप जैसे अगर कह रहे हैं कि इसका नाम कैसे नहीं समझ पाते पी पी डैश, तो आप देखिए ये चौथी पोजिशन पे यहां से है ना, तो एक दो तीन चार, ये पैरा है तो ये भी पैरा है, तो इसीलिए देखिए क्या नाम लिखा गया पी पी पैरा पैरा, देखो लिख रहा हूं पैरा कामा पैरा और ये डाई दो बार है ना, तो यहां लिख दिया क्लोरो। इतना समझ में आया। ऐसे रिएक्शन आपको फिनॉल वगैरह में देखने को मिलेंगे, फिनॉल में कार्बोक्सिलिक में, तब मजा आएगा ऑर्गेनिक पढ़ने का। ऐसे नहीं होता है रिएक्शन, ऑर्गेनिक इज अ माई बेस्ट टॉपिक, माई बेस्ट सब्जेक्ट, मेरे को बड़ा मजा आता है ऑर्गेनिक पढ़ाने में, चाहे जब कहिए हम तुरंत खड़े हो जाएंगे ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक उतना इंटरेस्टेबल नहीं है, इसके बाद ऑर्गेनिक के बाद मेरे को फिजिकल अच्छी लगती है, जो मेरा बेस्ट टॉपिक है। आपको भी कुछ अच्छा लगता होगा, आप भी बता सकते हैं। तो यहां पे बताइए ये क्या हो गया, पहला पहला डाई क्लोरो, फिर कह रहा है डाई फेनिल, तो देखिए एक फेनिल ये है एक फेनिल ये है, तो इसी का नाम क्या हो गया डाई फेनिल, देख रहे हैं क्या नाम हो गया डाई फेनिल। अब फिर कह रहा है ट्राई क्लोरो, तो देखिए कितना क्लोरीन है तीन, तो इसी को क्या कहोगे ट्राई क्लोरो। एकदम मजे से समझिए ट्राई क्लोरो। और फिर कह रहा है एथेन,
मतलब एथ, और जोड़ोगे तो एन, तो बन गया एथीन। और यही आपका क्या है, डीडीटी। बतिया समझ में आ गई, एकदम बढ़िया सा रिएक्शन को देखिए और मजे लीजिए कायदे से, तो एकदम सही समझ में आना चाहिए। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, सॉरी क्लोरल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ आप करते हैं तो पैरा पैराडाइड क्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन प्राप्त होता है, यही आपका रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब हम इसका क्या बता दे रहे हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है डीडीटी की। आपसे कहेगा डीडीटी क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाइए, क्लोरल से डीडीटी बनाइए, तब आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे पूछता है, डीडीटी बनाने की भी लिखिए, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाएंगे आप, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो अपना अपना तरीका है इसको बताने के लिए। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है ये एक प्रकार की कीटनाशी है। क्या है, एक प्रकार का ये कीटनाशक है। इसका उपयोग जो मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर होता है उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक वैज्ञानिक थे पाल मुलर, पाल मुलर ने क्या किया था, सबसे पहले इसके कीटनाशक प्रभाव के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है इंसेक्टिसाइड का क्या, ये पूछा जाता है, ये भी इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। डीडीटी एक कीटनाशक होता है जिसका उपयोग मलेरिया रोग के मच्छर को और जो टाइफाइस के कुछ जो जू होते हैं उनको मारने में इसको क्या कहता है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो इंसेक्टिसाइड का नेचर होता है इसके बारे में सबसे पहले पाल मुलर ने बताया था, इसीलिए पाल मुलर को चिकित्सा और शारीरिक क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया था। डीडीटी के बारे में बता रहा हूँ, बहुत रोचक तथ्य है, और समझना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक में है, वहां पढ़ सकते हो। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसका प्रचलन बहुत तेजी से हुआ, और जब प्रचलन इसका धीरे धीरे कीटों के प्रति ज्यादा, क्योंकि कीटनाशक था, कीटों के प्रति इसका प्रचलन बहुत ज्यादा होता गया वैज्ञानिकों का, तो कीटों ने क्या किया, अच्छा तुम मेरे को मारने के लिए इसका उपयोग कर रहा हो तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे। सारे कीटों की क्या हो गई, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, इसका कई युद्धारियों पर दुष्प्रभाव भी पड़ा, जैसे मछलियों पर बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ा। ये क्या हुआ करता है, इसका आसानी से उपापचय नहीं हो पाता है। जैसे अगर इसको हम फसलों पर माट नष्ट करने के लिए तो इसका उपयोग कर लिए, कीटों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग कर लिए, तो कीटों के शरीर पर इसका क्या होता है, जल्दी एक समाप्त नहीं होता है, 1-2-3 कहीं मतलब कई समय तक क्या रहता है, वहां पर पड़ा रहता है, 20-25 दिन तक इसका मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, और जैसे जिस शरीर में रहता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और आने वाले समय में उस युद्धारी के लिए वो हानिकारक हो जाता है। एक प्रकार का ये जान लीजिएगा कि एक तरीके से ये इसका जल्दी से अपघटन नहीं होता था, तो इसके कई दुष्प्रभाव भी देखेंगे। और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र जो आपका संघ है वहां पर जो उसका राष्ट्रीय पक्षी बाज है वो विलुप्त होने लगा, और जब वो विलुप्त होने लगा तो उसने देखा यार इतना ज्यादा खतरनाक डीडीटी है, तो उसने क्या किया, इस पर बैन लगा दिया, और वहां आज डीडीटी का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य आज कई देशों का ऐसा भी है कि जहां पर आज भी डीडीटी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो डीडीटी के बारे में आप जानिए और इसके बारे में अच्छा तरीके समझने का प्रयास कीजिए। ये पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद मैं इसका कुछ टॉपिक्स जो है उसको नोट्स दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में, बस इसको मैं इरेज कर रहा हूं भाई। रिएक्शन को एक बार कॉपी में लिखे हैं आप, उसके बाद एक बार जब कॉपी में लिख करके कंफर्म कर लीजिएगा तो रफ की कॉपी उठाइएगा, उसमें अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, ये हमारा दावा है। ये जान लीजिए आपसे कि आप एक बार अपने मन से लिखें और एक बार पढ़ने का प्रयास करें। कुछ बच्चे हमसे कमेंट भी किए थे, जैसे हाई स्कूल के कुछ बच्चे हैं, सर हम लोग जब लिख ले रहे हैं पढ़ रहे हैं तो हमारी बातें अब समझ में आ रही है, कुछ टॉपिक्स हमको कम क्लियर हो रहे हैं, तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप पढ़िए तो उसका रिवीजन कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या टॉपिक कन्फर्म हो नहीं रहे। नीचे इसे लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। डीडीटी एक ठोस कीटनाशक कीटनाशी होता है या इंसेक्टिसाइड जिसका उपयोग मलेरिया रोग के वाहक मच्छर
मलेरिया रोग के वाहक मच्छर को मारने में किया जाता है। ऐसे इसको स्टार बना के नीचे ब्लैक पेन से आप लोग लिख लीजिएगा। डीडीटी के सब बताया वही लिखा। डीडीटी के कीटनाशी इंसेक्टिसाइड गुण के बारे में सर्वप्रथम पॉल मुलर ने बताया। डीडीटी के कीटनाशी गुण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? पॉल मुलर ने। अतः उन्हें चाय बहुत डिस्टर्ब करती है। चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आप वहां देख सकते हैं। चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया राजू? नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला डीडीटी का आसानी से या सरलता पूर्वक उपचयन नहीं होता है। आता है यहां अन्य जीवों के लिए हानिकारक होती है, जैसे मछली, मछलियां मरने लगी थी। अरे जब राष्ट्रीय पक्षी गायब होने लगा संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसने कहा मारो इसको, हटाओ यहां से, फिर वो बंद करो इसका। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय पक्षी इसके प्रयोग से विलुप्त होने लगा। जिसके कारण जब वो विलुप्त होने लगा तो जिसके कारण 1973 में भी, आज की बात नहीं है, 1973 में भी वहां पर इसके प्रयोग का क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। किंतु विश्व के अन्य देशों में आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। यह हमारे देशों का दुर्भाग्य है। तो ये सब टॉपिक थे, इसको आप कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट्स कर लीजिएगा। तो यहाँ से आज आपका हेलो एलियंस भी टॉपिक समाप्त हुआ, और कल हम आपको डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, पॉली हेलो एल्केन्स के कुछ
इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और अब आपको यूजेस बताएंगे, उपयोग, तब ये आपका क्या होगा, अभी टॉपिक चलेगा ये कुछ दिन तक। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, और अगर पूरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप बढ़िया तरीके से इसको नोट्स कीजिए और अपने बच्चों जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में से शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।